नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ार में। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप थंबनेल पे कि अमेज़न ने अब RBI का दरवाज़ा खटखटाया है और सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ आपके लिए जो अपडेट होती हैं फ्यूचर ग्रुप से संबंधित, शेयर से संबंधित, मैं लेके आता हूँ आपके लिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से उसको आपको बताने की, समझाने की, और कोशिश करता हूँ कि चीज़ें रिपीट ना हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अमेज़न अर्जेज RBI टू अंडरटेक फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल, और अमेज़न ने अर्ज किया है RBI को, 14 पेज का लेटर लिखा है। जी हाँ, 14 पेज का लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए फ्यूचर रिटेल का। कल की न्यूज़ है, 29 अप्रैल, कल शाम की न्यूज़ है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ऑल्सो एलिजेस डेट लेंडर बैंक्स ऑफ फ्यूचर रिटेल फेल्ड टू टेक कॉग्निजेंस। बिल्कुल, कि उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने एलिज किया है कि जो फ्यूचर रिटेल के लेंडर्स हैं उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का। लेट अलोन प्रिवेंट फ्यूचर रिटेल एंड मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। बिल्कुल, ये फ्रॉड शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि लेंडर्स ने कोई संज्ञान नहीं लिया और FRL को, यानी फ्यूचर रिटेल को और मुकेश अंबानी साहब को ये फ्रॉड करने दिया। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अभी आप देखिए, आगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अमेज़न हैज आस्क्ड द RBI टू अंडरटेक अ फॉरेंसिक ऑडिट अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल, अमेज़न ने RBI को बोला है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए फॉर द पास्ट 3 financial years टू इन्वेस्टिगेट एलिज फ्रॉड बाई द कंपनी। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पिछले 3 financial years का और ऑडिट कराने के लिए बोला है ताकि जो कंपनी ने फ्रॉड किया है उसका पता चल सके। अमेज़न सेड डेट फ्यूचर रिटेल इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव डिफ्रॉडेड बाई एलिनिएटिंग ओवर 945 स्टोर्स प्रमाइसिस टू रिलायंस रिटेल। बिल्कुल, तो अमेज़न ने बोला है कि इन्होंने 945 स्टोर्स रिलायंस को दे दिए हैं फ्रॉड के जरिए, इसलिए आपको ये कराने की ज़रूरत है, इसे क्लियर होंगी। इट हैज़ ऑल्सो एलिज्ड डैट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ कमिटेड फ्रॉड। बिल्कुल, देखिए क्लियर कट यहाँ पर बोला है उन्होंने, वाइल द लेंडर्स हैव फेल्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, कि रिलायंस ने फ्रॉड किया है और 945 स्टोर ले लिए हैं लगभग, और यहाँ पर लेंडर्स को भनक तक नहीं लगी। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन RBI टू कंडक्ट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इन टू द फ्रॉड कमिटेड बाई फ्यूचर रिटेल। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये RBI की जिम्मेदारी है कि इसको करानी चाहिए। इट्स प्रमोटर्स, किसके किसके प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं एंड की मैनेजरियल पर्सनल KMPs अकॉर्डिंगली। इट इज़ रिक्वेस्टेड डेट फोरेंसिक ऑडिट बी कंडक्टेड फॉर फ्यूचर रिटेल फॉर द पास्ट 3 financial years एज द RBI इज एम्पावर्ड टू इंटर अलिया अंडर द RBI फ्रॉड सर्कुलर फाइनेंशियल। इतना जो भी है, इस सर्कुलर का हवाला देते हैं, उन्होंने कहा कि RBI को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए पिछले 3 financial years का। अमेज़न साइड इन 14 पेज लेटर, 14 पेज का लेटर जो लिखा है उसमें ये बात कही है। पॉइंट फिंगर एट लेंडर बैंक्स ऑफ फ्यूचर रिटेल। बिल्कुल, उनके ऊपर उंगली उठाते हुए क्या कहा है, इस पे नज़र डालते हैं। अमेज़न हैज़ फर्दर एलिज्ड दैट द लेंडर बैंक्स ऑफ फ्यूचर रिटेल टू हैव फेल्ड टू टेक कॉग्निजेंस। बिल्कुल, उन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। लेट अलोन प्रिवेंट फ्यूचर रिटेल एंड MDA मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप फ्रॉम कमिटेड फ्रॉड। मतलब लेंडर्स ने कोई संज्ञान नहीं लिया और दोनों लोगों ने मिलकर फ्रॉड कर लिया और उस पर कोई संज्ञान तक नहीं लिया। द कंडक्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लेंडर बैंक्स रेज सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑन अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ बोली इन्होंने कि जो ये कंडक्ट है और जो एटीट्यूड है ये बहुत ही सब्सटेंशियल अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है इनकी, कि क्या इनकी जिम्मेदारी और क्या अकाउंटेबिलिटी है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस रिजीम इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और जो फेयरनेस रिजीम है उस पर, जो बैंकिंग सिस्टम का, उस पर क्वेश्चन उठाता है। इन अगस्त 2021 फ्यूचर रिटेल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, सब एग्रीमेंट है और 1400 करोड़, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न इन इट्स लेटर स्टेटेड डेट फ्यूचर रिटेल हैड वॉलेटेड दिस इंजंक्शन। बिल्कुल, फ्यूचर रिटेल ने ये जो वॉलेट किया है इनका जो इंजंक्शन था, यानी कि एक तरह से रूल्स जो इनके ऑर्डर थे आपस के, जो एग्रीमेंट वगैरह था उसको। इट सेड डेट फ्यूचर रिटेल डिड नॉट इन्फॉर्म द बैंक्स अबाउट द इंजंक्शन। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो फ्यूचर रिटेल है उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया जो ये इंजंक्शन था, जो सारी चीज़ें थी जो 945 स्टोर दे दिए थे। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर दिखेगा, एक सेकेंड। नॉट ओनली डैट, रिसेंट इवेंट्स इंडिकेट डैट
FRL purportedly handed over 945 retail stores to Reliance Industries. बिल्कुल इनका कहना है कि इन्होंने जानबूझ के ये स्टोर्स दे दिए हैं रिलायंस को. इन कम्प्लीट डिसरिगार्ड ऑफ एंड कंट्रेरी टू बाइंडिंग इंजंक्शन, जो इनका एग्रीमेंट वगैरह था उसके बिल्कुल अपोजिट जाते हुए. एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ अश्योरेंस टू बैंक्स डैट दीज असेट्स वर अवेलेबल विथ फ्यूचर रिटेल. बिल्कुल. और आगे देखते हैं, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी. फ्यूचर रिटेल है सरप्टिशियसली अटेम्प्टेड, सरप्टिशियसली मतलब छिप छिपा कर, मतलब चोरी छिपे, अटेम्प्टेड टू परपोर्टेडली हैंड ओवर दीज स्टोर्स टू MDA यानी मुकेश धीरूभाई अंबानी जी ग्रुप थ्रू आ स्ट्रेटेजम एंड एन एग्रेगियस फ्रॉड ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द स्टेचुरी रेगुलेटर्स कोर्ट्स एंड अदर एंटिटीज इंक्लूडिंग एंटिटीज रेगुलेटेड बाई द RBI. यहाँ पर ये एंटिटीज रेगुलेटेड बाई द RBI मतलब ये लेंडर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं. दूसरा बोल रहे हैं कि कोर्ट्स को भी नहीं बताया, कोर्ट से छुपते छुपाते ये सारी चीज़ें की हैं. और जो ये बता रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें की हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ इन्होंने किया है, चोरी छुपे तरीके से बैकडोर के थ्रू ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं. देखिए मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं एक आर्टिकल है या जो भी है ये न्यूज़ है, इसको मैं अपनी तरफ से भाषा का अनुवाद करके आपको हिंदी में समझाने की पूरी सी कोशिश करता हूँ, कहीं ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्दर Amazon alleged that Future Retail has been making contrary statement in its annual reports. बिल्कुल. और क्या कह रहा है Amazon, देखिए क्या एलिगेशन लगाया कि जो फ्यूचर रिटेल है वो अपना कंट्रेरी स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब एक तरफ कुछ कहता है और दूसरा होता कुछ है. वो क्या कह रहा है आगे समझिए. एंड इन द कोर्ट्स ऑन वेदर इट वॉज फेसिंग अ लिक्विडिटी क्राइसिस और नॉट, कि उसको जो लिक्विडिटी क्राइसिस यानी कैश पैसों का जो क्राइसिस है उसके बारे में कह रहे हैं ये. Amazon alleged डेट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फ्यूचर रिटेल स्टेटेड डेट इट डिड नॉट फेस एनी लिक्विडिटी क्राइसिस. ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि 2020-21 के जो स्टेटमेंट है, देखिए एकदम अचानक से क्रंच तो नहीं होगा, मेन तो कोविड जो था वो तो 2021 वाले फेज में ही था, मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो 2021 वाले फेज में था. तो इनका कहना यह है कि यहाँ पर इस फेज में इन्होंने तो कोई लिक्विडिटी क्रंच का क्राइसिस का इशू नहीं किया. फिर आगे देखिए, हाउएवर कंट्रेरी टू द स्टेटमेंट मेड बाई फ्यूचर रिटेल इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, फ्यूचर रिटेल मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट इन फेबररी 26 डिस्क्लोजर, जो 26 फरवरी को अभी डिस्क्लोज किया इन्होंने, उसमें बोला है क्लेमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डेट इट एलिजली हैड ह्यूज आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू पेमेंट्स फॉर एक्सेस टू स्टोर प्रीमाइसेस. बिल्कुल. इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि इनके ऊपर बहुत सारा जो देनदारी है वो है, जो रेंट वगैरह है, और उसके चलते यहाँ पर रिलेशन टू पेमेंट्स फॉर एक्सेस टू स्टोर्स, वैसे जो स्टोर्स हैं वो वहाँ पर चले गए हैं. तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए इन्होंने. अच्छा, दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने जो थ्री फ्यूचर ग्रुप फर्म्स टोटल बोरोइंग्स एट ₹6,475 करोड़, जो तीन फर्म हैं इनकी, उनकी जो टोटल बोरोइंग्स है वो 6,475 करोड़ है. देखिए एज ऑफ March 31 जो अभी रिसेंटली फाइल किया उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड हैं. ये फ्यूचर रिटेल हैड अ टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹4,876.88 करोड़, वाइल्ड डेट ऑफ फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन वॉज एट ₹1,181 करोड़ और फ्यूचर सप्लाई चेन 416.12 करोड़, द कंपनी सेट इन सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज अपडेट्स. बिल्कुल. तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई वो वही सारी चीज़ें हैं. टोटल जो है 6,474 करोड़ का मामला यहाँ पर निकल के आया है, इन जो देनदारी है वो इन तीन ग्रुप के ऊपर है. देखिए जैसा जो मामला चल रहा है, ये मामला भी बहुत पेचीदा है. दिल्ली हाई कोर्ट की अभी हियरिंग हुई है, उसमें क्या कहते हैं रिलायंस को हाजिर होने के लिए बोला, उनका रिलायंस को भी पार्टी बनाइए, बाकी 12 मई को अभी जो इनको अपना जवाब देना है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं ऊपर में, शेयर होल्डर्स जो हैं उनके इतने कमेंट्स आते हैं बेचारे, इतने ऊपर ले रखे हैं. और दूसरा क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे मैं देख रहा था एक ग्रुप बना हुआ है फ्यूचर रिटेल शेयर होल्डर करके, लगभग 800 से 900 लोग हैं उसमें, और उसमें मैं जब देखता हूँ लोग बेचारे इतने परेशान हैं, किसी का 10 लाख का लॉस है, किसी का 2 लाख का लॉस है, 70,000 का लॉस है, इतने बड़े बड़े लॉस देख के सच में दुख होता है. मैं भी शेयर होल्डर हूँ इसका, मेरे पास भी हैं, लेकिन मेरा लॉस, मैंने इतना बड़ा अमाउंट इसमें नहीं लगाया हुआ है, और वो लॉस मेरा हो भी जाएगा तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा जैसे भी तैसे करके. लेकिन जो जिसने पूरा पैसा इसमें लगा दिया, जिसकी हार्ड एंड मनी है, सोचिए 10 लाख 20 लाख का जो लॉस पे बैठा है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी. तो अगर आप भी अपना दुख दर्द साझा करना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. तो बाकी ये पर्सनल अपने चैनल पे कोई जनरली इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन मैं बस, मुझे उनका दुख देख के सच में मुझे बहुत दुख हुआ.
तो अगर आप भी अपना दुख दर्द साझा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक बारी विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, बाकी जैसा कि आप जानते हैं मैं वीडियोस जो बनाता हूँ आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियोस प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करिए और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट वगैरह अगर आप चाहते हैं, और मैं बाकी शेयर्स का भी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करता हूँ, डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, आप उनको भी देख सकते हैं। वैसे वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए, धन्यवाद।